यो मियो टीवी पे एक बार फिर से मैं आपके सामने फिटनेस स्टोरी लेकर आया हूँ और इस बार हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि जिन्हें आप देख रहे हैं जग जननी माता वैष्णो देवी कहानी माता रानी की में, और वो इस वक्त वैष्णवी के पिता का किरदार निभा रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं हमारे आपके अपने राजा रत्नाकर यानी कि ऋषिकेश पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है यो मियो टीवी पर। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? हाउ इज इट गोइंग? शो ऑन एयर गया है, कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया फीडबैक मिल रहा है, और जहाँ जहाँ से, मतलब यहाँ तक कि एमपी से, जैसे मैं आई कम फ्रॉम एमपी आल्सो एंड यूपी, सो वहाँ से भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, फैंस के मैसेजेस आ रहे हैं, दे आर अप्रिशिएटिंग द केमिस्ट्री एंड आल्सो द शो, द ग्रैंड शो। सो वेरी हैप्पी विद दैट। एंड जब समय मिलता है तो कोशिश यही होती है कि आफ्टर शूट यू रियली मेंटेन फॉर यू, आई मीन यू नो योर सेल्फ फॉर द कैरेक्टर दैट यू आर प्लेइंग। वैसे हम आप लोगों को बता दें कि आज ऋषिकेश हमें अपने जिम में लेकर आए हैं, जहाँ पे वो हमें बताने वाले हैं कि वो अपने आप को फिट कैसे रखते 12 घंटे की शिफ्ट के बाद। मैं तो जिम जाने के 14 मैं तो जिम जाने के एकदम मूड में ही नहीं रहता हूँ, पर कैसे ये लोग, मतलब कैसे एक्टर्स अपने आप को फिट रखते, बिकॉज उन्हें ऑन स्क्रीन अच्छा दिखना होता है, तो फिर हम वक्त ज़ाया नहीं करते और स्टार्ट करते। पहले कार्डियो आप करने वाले हो? डेफिनेटली, बिकॉज बहुत दिन हो गए एंड कोशिश ये होती है कि उतने शेड्यूल के बाद ट्रैवलिंग आज ऑल्सो टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो जब हम शुरू करते हैं तो मॉर्निंग में 2 घंटे जाना और रात में 2 घंटे आना, तो 4 घंटे वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। सो इट्स हेक्टिक, बट स्टिल हमें कोशिश ये रहती है कि जब भी जितना समय मिलता है, कि या तो वहाँ पे भी कभी होता है तो मैं कुछ राउंड मार लेता हूँ, पैदल चल लेता हूँ एंड डाइट मेंटेन कर लेता हूँ। सो आज हम शुरू करते हैं। बेसिकली आई हैव नॉट डन वर्कआउट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वाओ, द साउंड इन द जिम, दिस इज अलार्म। सो ये जो है हम शुरुआत कर रहे हैं कार्डियो से, थोड़ा 10 मिनट वार्म अप कर लेंगे, उसके बाद देन आई गो एंड आई डू सर्किट, आई डू ऑल बॉडी पार्ट, बिकॉज अगर आप रोज नहीं कर पा रहे हो तो यही एक ऑप्शन है टू मेंटेन योर सेल्फ। सो वी स्टार्ट फ्रॉम नाउ। अभी हमने अपना कार्डियो किया, लाइक 10 मिनट जो भी वार्म अप। नाउ हम नीचे जाएंगे और सर्किट स्टार्ट करेंगे, बॉडी पार्ट, अपर और लोअर सब कुछ, बिकॉज लंबे समय से गैप था। सो वी डू दिस डाउन। Hi, now we finished, I do cardio, after that like more of stretching and you know, before starting my other workout, I do a lot of climbing and you know, basic, these are like freehand exercises, which keeps me always fit and stay healthy, because आप जब वर्कआउट नहीं कर पाते हो, बहुत सा समय ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें आप जिम में आके नहीं कर पाते हो, सो आप कहीं भी क्लाइंब कर सकते हो, यू सी द डोर, इवन वॉल कहीं दिखता है, लटक जाओ आप, तो कुछ भी करके बी फिट, दैट्स द मोटिव। So now we'll do, since we have time, biceps, chest and shoulders, everything on including, few sets we'll do it. See. कार्डियो तो हो गया, उसके बाद आपने क्या क्या किया, अगर आप हमें बताना चाहें? कार्डियो के बाद जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेचिंग की हमने, जो क्लाइंबिंग एंड यू नो वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आप जिम में नहीं भी हो, कहीं भी हो, तो ये कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं कि आपको जिम की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हो, रास्ते में कर सकते हो, स्टूडियो में कर सकते हो, वैनिटी वैन में भी कर सकते हो। सो यू नो यू कैन क्लाइंब वेयरएवर यू सी, पेड़ दिखे तो पेड़ पे लटक जाओ, बट जस्ट कीप डूइंग समथिंग। सो दिस वाज द वन एक्सरसाइज एंड देन आई डिड माय चेस्ट, नाउ वी विल गो एंड डू शोल्डर्स।
और मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं, सबको ही पता है कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है. सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो भी वर्कआउट करो, सी टू इट दैट आपको रेस्ट भी मिले, क्योंकि कई बार क्या होता है आप रेस्ट ना लेने की वजह से आप इंजरीज हो जाती हैं आपको, एंड यू पुश योर सेल्फ टू मच. वो अवॉइड कीजिए. रेस्ट भी ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू पुश योर सेल्फ टू वर्कआउट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग. सो नाउ विल डू शोल्डर्स एंड एब्स, सो यू कैन सी दैट. अभी आपने क्या किया ऋषिकेश, आप हमें बताना चाहें. जी, मैंने अभी फ़िलहाल चेस के बाद शोल्डर्स मारा, और ऑब्वियसली बिकॉज जैसा कि मैंने पहले कहा कि व्हेन यू आर डूइंग इट एवरी डे देन मेक सेंस दैट यू आर डूइंग वन बॉडी पार्ट और टू बॉडी पार्ट इन अ डे, विच इज़ लाइक यू नो वन थिंग. बट सिंस हम लोग काफ़ी दिनों से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो सर्किट मारना ज़रूरी हो जाता है टू मेंटेन योर सेल्फ, एंड दिस इज़ व्हाट आई डू डिड. एंड बाकी एक्सरसाइजेज तो फ्री हैंड में ही हो जाती है बहुत सी. सो दिस इज़ व्हाट वी फिनिश नाउ. And little bit of my dhyan, which is in the end, I do stretching, just lie down and relax. So that will be only left, and then I'm done. जादी क्या कहना चाहेंगे टू ऑल द फैंस एंड व्यूअर्स. शो ऑन एयर हो चुका है, लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं उस शो को. इवन पीपल आर एक्चुअली लाइकिंग, आई एम पर्सनली लाइक रिलीजियसली फॉलोइंग द शो. बहुत अच्छा शो जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर. पहले तो सबको मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट एवरी वन फ्रॉम द स्टार भारत चैनल to Rashmi Sharma Production, at the same time our entire team who's working on this project, and everybody's even directors and the technician, sabko thanks, because everybody's working very hard. So main kisi se bhi unka shrey lena nahi chahta, kyunki koi bhi cheez ek ke usse nahi hoti hai ki sirf actor kuch khada kar sake ya producer ya channel. It is a team work. So we team, hats off to all the team members and everybody. And main darshakon ko yahi kehna chahunga ki jag janani maa vaishno devi 9:30 every day on Star Bharat, 9:30 PM. So just keep watching and appreciating and shower your love and affection to us. Alright, thank you so much Hrishikesh, हमारे साथ बने रहने के लिए. Thank you so much. Thank you so much. कैमरा पर्सन भुवन के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई.